सत्ता संभालने तो पहला कि आप एक्शन मोड दे विच दिखाई दे रही है। सुजानपुर के कांग्रेसी विधायक नरेश पुरी के करीबी ते मामला दर्ज किया गया। अमित शर्मा मीतू ते गैर कानूनी माइनिंग का मामला दर्ज किया गया। मुलजम अमित शर्मा कांग्रेस के पार्षद ने अमित के भरा रमन शर्मा से भी यह मामला दर्ज किया गया। सो सरकार बनने तो पहला ही आप एक्शन दे विच नजर आ रही है। सत्ता संभालने तो पहला आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सुजानपुर के कांग्रेसी विधायक नरेश पुरी के करीबी से मामला दर्ज होया। अमित शर्मा मीतू से गैर कानूनी माइनिंग का यह मामला दर्ज होया। मुलजम अमित शर्मा कांग्रेस के पार्षद ने अमित के भरा से भी मामला दर्ज किया गया। साढ़े सहयोगी अजय महाजन इस समय फोन लाइन से मौजूद ने जानकारी देने के लिए। अजय जानना चाहवांगे पूरा मामला की सी, अमित शर्मा कौन ने और किस तरीके की कार्रवाई हुण होवेगी। जी बिल्कुल, अमित शर्मा नरेश पुरी जो कि मौजूदा विधायक बने ने सुजानपुर तो कांग्रेस के, उन्होंने करीबी है अमित शर्मा और उन्होंने भरा रमन शर्मा, इन्हों के उत्ते कल एक एफ आई आर जी है दर्ज की गई हैगी है। एफ आई आर जी है इलीगल माइनिंग की एफ आई आर दर्ज की गई हैगी है। माधव स्टोन क्रशर के उत्ते एफ आई आर दर्ज की गई है जिसके मालिक खुद अमित शर्मा से उसके भरा रमन शर्मा ने। यह आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद पठानकोट पहली कार्रवाई है कि इलीगल माइनिंग की एक एफ आई आर जी है मौजूदा पार्षद के उत्ते दर्ज की गई हैगी है। उसके भरा के उत्ते दर्ज की गई है। मौजूदा कांग्रेसी पार्षद अमित शर्मा नरेश पुरी दे बहुत करीबी मने जाते हैं और इन्होंने उत्ते एफ आई आर दर्ज की गई है। एक वही कार्रवाई इसको कहे कि माइनिंग विभाग वालों इलीगल माइनिंग की पहली एफ आई आर पठानकोट के दर्ज की गई है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद। और लगातार यही चीजा जो मनिया जा रही थी कि कुछ चीजा के उत्ते लगाम जरूर लगेगी जो उन्होंने सरकार बनेगी। तो ये चीजा जगिया वो बिल्कुल अजय लगातार जानकारी लेंदे रहांगे। फिलहाल जानकारी देने लई धन्नवाद करना चाहांगे।